आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे जिसके किनारे हम तीन धाम की यात्रा करने जाते हैं। कहने का मतलब है कि अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। अलकनंदा नदी संतोषप्रद ग्लेशियर से निकलती है और निकलकर जब आगे की ओर बढ़ती है तो उसमें धोली गंगा नाम की नदी विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है और अलकनंदा नदी के आगे बढ़ने पर पिंडर नदी कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती है और अलकनंदा नदी के आगे बढ़ने पर मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के किनारे ही केदारनाथ बसा हुआ है और अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ आपके बसा हुआ है। जो गंगा है, गंगा जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी नदी, फिर आगे से एक नदी और आती है भिलगाना नदी। ये दोनों नदी टिहरी नामक स्थान पर मिलती हैं और जहाँ पर ये मिलती हैं, भागीरथी और भिलगाना नदी, इन दोनों के संगम पर ही एक डैम बनाया गया है जिसे टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। यह डैम भारत का सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला डैम है, यानी कि इसकी बिजली उत्पादन की जो क्षमता है वो है 2500 मेगावाट। जब ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा नदी से देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलने पर इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। कहने का मतलब है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं तो भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है। अब ये गंगा नदी ऋषिकेश तक आपके पहाड़ों तक बहती है और जब ये हरिद्वार में मैदानों में एंटर करती है और मैदानों में एंटर करके आगे की ओर बढ़ती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अलकनंदा नदी है संतोषप्रद ग्लेशियर से निकलकर आगे की ओर बढ़कर चली जाती है, जहां फिर इसके देवप्रयाग नामक स्थान पर इसका नाम परिवर्तित होकर गंगा पड़ जाती है। अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। जैसे कि आपकी अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, जब इंसान परेशान होता है तो भागकर किसके पास जाता है? देव, यानी कि देव। तो इसलिए भागकर हम किसके पास गए? देवों के। तो क्योंकि इसमें एक जो एक चीज़ बिल्कुल सेम है, अलकनंदा एक इनकी है, उसकी सहायक नदी पहली कौन चीज़ से? भागीरथी है। तो भाग के हम किसके पास गए? देव। प्रयाग का मतलब है संगम से, तो ये सब सेम है, प्रयाग सब सेम आएगा, अलकनंदा सेम आएगा और हम यहाँ से ट्रिक बनाएंगे, यानी कि भागकर हम किसके पास गए? देवों के पास। तो इसलिए अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देव प्रयाग पर। दूसरा है अलकनंदा और पिंडर नदी, यानी कि जो पांडव थे, पांडव जो कर्ण थे, कर्ण किसका भाई था? पांडवों का। तो इसलिए पांडव जो है, जो पिंडर नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? कर्ण प्रयाग पर। अगली है मंदाकिनी। मंदाकिनी का कैसा रूप था? रुद्र रूप, रुद्र यानी कि भयानक रूप था। तो इसलिए मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? रुद्र नामक स्थान पर मिलती है। अगली है धोली गंगा। धोली गंगा अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? हम पाप धोने कहाँ जाते हैं? गंगा में। और गंगा में कौन रहते हैं? विष्णु जी। तो इसलिए पाप धोने हम कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं पाप धोने? गंगा में। और गंगा में कौन रहते हैं? विष्णु जी। तो इस तरीके से हम अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। ठीक है।